नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आतंकी बना था नासिर। इमरान मलिक कैराना का सलीम, करता था लश्कर आतंकियों की भर्ती। सलीम के पड़ोसी कफील को भी हिरासत में लिया गया है। कैराना शामली में हो सकते हैं कई और लश्कर के ऑपरेटिव, ये जानकारी मिल रही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस की जांच इस वक्त चल रही है और उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इमरान और नासिर के बारे में ये जानकारी मिली है कि ये महज 1.5 लाख रुपए में आतंकी बन गए। 1.5 लाख रुपए की खातिर ये आतंकी बन गए, ये बड़ी अपडेट इस वक्त इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इमरान मलिक कैराना का सलीम, करता था लश्कर आतंकियों की भर्ती। सलीम के पड़ोसी कफील को भी हिरासत में लिया गया है। कैराना शामली में कई और लश्कर के ऑपरेटिव हो सकते हैं, ऐसी खबरें। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, और क्या डिटेल, इन लोगों के बारे में जानकारी और क्या मिल पाई है? ये अपने आप में बड़ी खास इंफॉर्मेशन है कि चंद रुपयों की खातिर आतंकी बन रहे हैं कुछ लड़के। जी बिल्कुल, देखिए समीर, 17 जून को जो दरभंगा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट की जांच के दौरान एनआईए को पता चला है कि दरअसल हिंदुस्तान के अंदर जो लश्कर ए तैयबा के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है वो कैराना के शामली का ही रहने वाला सलीम है। और सलीम को तकरीबन 4 से 5 दिन पहले जाँच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। सलीम के साथ उसके एक और पड़ोसी कफिल को भी हिरासत में लिया गया था। कफिल वो शख्स है जिसका मोबाइल नंबर, जो जिस कपड़े की गठरी के अंदर ब्लास्ट हुआ था पार्सल के अंदर, वहां पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो लिहाजा सबसे पहले कफिल के पास पुलिस पहुंची। कफिल से पता चला कि जो मोबाइल नंबर था वो इस्तेमाल सलीम ने किया था। सलीम को वहां से पिक किया गया और उसके बाद इन दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। इसी दौरान एनआईए ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान इमरान मलिक और नासिर मलिक के रूप में हुई। इन दोनों की कल ही गिरफ्तारी दिखाई गई और बताया गया कि जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर बम को प्लांट करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन के अंदर, वो दोनों दरअसल यही लोग थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई, इन दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि महज 1.5 लाख रुपए के अंदर इनको रिक्रूट किया था। इनको रिक्रूट करने वाला कैराना के शामली का ही रहने वाला शख्स सलीम है। तो सलीम पहले से हालांकि एनआईए की कस्टडी में है, तो अब फिलहाल पूरा जो नेक्सस है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी सामने आ रही है अब इस पूरे मामले के बाद कि कहीं ना कहीं लश्कर एक बार फिर हिंदुस्तान में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, और जो पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर है, और कई जगहों पर लश्कर के ऑपरेटिव हो सकते हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस के तार अब यूपी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैराना और शामली में कुछ ऑपरेटिव्स हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। जांच जारी है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।